घटना घटी क्या? पांच लोग आए बाहर से कट्टा लेके आए, तुरंत जो है तान दिए और जो है रिवाल्वर तान दिया और सामान लेने लगे, अंदर अलमारी से लिए, बाहर से लिए, जितना पाए सब ले चले गए। नहीं किसी पहचान नहीं पाए। हेलमेट लगाए थे, हेलमेट लगाए थे और सिर पे गमछा बांधे थे। उठने नहीं दिया, देखने नहीं दिया। करीब चार से पांच लोग थे, पांच लोग थे करीब अंदर। लगाए थे सब, सब लोडेड गन थे, पांच लोग लिए थे। ये भी मोटरसाइकिल से ले गए। कितने कुछ ज्वेलरी थी कि लगा था, क्या था? ज्वेलरी भी थी और कैश भी थे कुछ। कुछ और ग्राहक भी उसके मौजूद थे जी? ग्राहक दो कस्टमर थे। आप लोग कुछ विरोध नहीं किया उनका? विरोध किए कस्टमर को जो है मारे सब, विरोध करने नहीं दिया सब। रिवाल्वर ताने थे, कहे तुमको मार देंगे, हिलना नहीं है तो मार देंगे, गोली मार देंगे। सब जो है यही कर रहे थे, हिलने डुलने भी नहीं दिए। कोई आइडिया नहीं, आइडिया नहीं, कुछ नहीं बता पाए, बता नहीं पाए। इसकी कोई कभी जानकारी नहीं। व्यापारी सहमे हुए हैं, पहले वो अपना आप लोगों ने मतलब मेन चौक में कल तक यहां पुलिसिंग नहीं हो पाती, इस वजह से ऐसा कुछ हुआ है। जब जब मेन चौक में जब आदमी सुरक्षित नहीं है तो फिर सबसे बड़ा प्रशासन की सारी गलती है इसमें। पुलिस प्रशासन की सारी गलती है। ये जो ठेले लगे हुए हैं इसी से उनको कोई डर नहीं था। पुलिस पुलिस का कोई डर नहीं था। पुलिस प्रशासन बड़ा, यहाँ ना फोर्स लगती है ना कुछ लगता है और यहाँ इतनी बड़ी घटना हो रही है, कौन सुरक्षित है? इसकी तुरंत जांच करके तुरंत इसकी खुलासा होना चाहिए, इसीलिए लोग दुकान बंद करा रहे हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम श्याम कुमार सोनी है, श्याम ज्वेलर से हमारी दुकान है। जिम्मेदार और इतनी बड़ी घटना आप चौक में सरेआम हो रहा है, क्या क्या, क्या सुरक्षा रह गई है सब? इस चौक का जिम्मेदार किसको मानते हैं? ये हार्ट पेशेंट आदमी है, लेकिन बताइए इतनी बड़ी घटना हुई है, चूक का जिम्मेदार किसको मानते हैं? देखिए प्रशासन है ही है, प्रशासन को इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। चौक से वहाँ बैठे थे, अंदर में सामान ले रहे थे, दो लोग थे और चाचा थे और अतुल जी थे। तो पांच छह लोग जो है नए उम्र के थे लड़के जो है, वो आए, वो सब भरने लगे, सब झोला लेकर सब बंदूक लिए थे, रिवाल्वर लिए थे, आने लगे, गाली गुप्ता देने लगे, लहराने लगे, सब भर दिया सामान लेकर चले गए, मारने भी लगे। कितने लोग थे? पांच छह लोग थे। पांच छह लोग। आप क्या करने आए थे? आप जी? हम व्यापारी हैं, सामान लेने आए थे। अच्छा, आपका भी कुछ नुकसान नहीं? नहीं, हमारा नहीं नुकसान हुआ। हम ज्यादा कुछ लेने आज आए नहीं थे, थोड़ा बहुत सामान लेना था। आपको क्या दिखा, कितना लेके क्या भरे होंगे? अब इसका अंदाजा हम नहीं लगा सकते, पूरी जो है तिजोरी खाली हो गई है, सामान सब पूरा ले गए। आप आपके साथ भी जी? आपकी दुकान कहाँ है? अब इसको हम नहीं बताएंगे हमारी दुकान कहाँ है। अच्छा, हमको भी आपके साथ भी उन्होंने कुछ किया? नहीं, हमारे साथ कुछ किया नहीं, अंदर ले जाकर मतलब बैठा दिए कोने में, देखने नहीं दे रहे थे। अच्छा, पाँच छः लोग थे रिवाल्वर के पास? हाँ, लगभग सबके पास। कोई रिवाल्वर से फायर होता नहीं हुआ ना? नहीं, फायर नहीं। घटना कितने बजे की है? अभी करीब एक घंटे हो गए। क्या किसी को पहचान आप सकते हैं? नहीं, हम चेहरा ही नहीं देखे, क्या पहचान? हम मुंह में कपड़ा बांध के और हेलमेट लगाए थे। ठीक है, थैंक यू। Yeah.
करीब 12:40 के आसपास हुई है, 2-4 मिनट कम ज्यादा जो कैमरे में आ रहा है। हम लोग दुकान बैठे थे, आराम से काम कर रहे थे, कस्टमर एक था और दो कस्टमर थे, और आए तुरंत तीन चार लोग तुरंत इनको घेर लिए, रिवाल्वर लगा दिए, बोलो मत, सर ऊंचा नहीं होने दिए, और आए जितना दुकान सामान पाए बटोर के चले गए। अब सामान हम कुछ नहीं बता सकते इस टाइम, ज्वेलरी दुकान है, सोना चांदी की दुकान है तो ले ही गए हैं, ये कुछ नहीं बता पाएंगे अभी। स्टॉक मेंटेन कर, नकदी भी ले गए हैं, 3-4 लाख रुपए नकद ले गए हैं। हाँ ज्वेल भी ले गए। अब हमारे दुकान पे 4 आए थे, एक शायद बाहर था, अच्छा 5 होंगे। हाँ नंबर एक मिला है, कोई नंबर देखे हुए है, लिखाए हुए उनको लाए हुए है, सबको लिखाए है। बाइक से थे, एक झोला लाए थे, झोला में तुरंत जितने सामान पाए भर के लेके अंदर बैठे रहे ज्यादा, आपका बता दो। सुपर स्प्लेंडर थी दोनों, सबके पास था, पांचों के पांचों के पास। थाना कोतवाली नगर क्षेत्र में एक चौक एरिया पड़ता है, वहाँ पे भारत ज्वेलर्स की शॉप है, जो ज्वेलरी की दुकान है वहीं पे आज दोपहर के समय 3-4 लड़के आए, उन्होंने जो ज्वेलरी में जो इमीडिएटली अवेलेबल जो भी सामान था वो बटोर के लूट के यहाँ से भाग लिए। घटना में हम जो ज्वेलर्स हैं उनसे बात कर रहे हैं, बाकी इन्फॉर्मेशन खंगाली जा रही है, 6 टीमों की गठन कर दिया गया है, जल्द से जल्द इस घटना की अनावरण होगी और सख्त सख्त कार्रवाई होगी। धन्यवाद। अभी जो दुकान के जो ओनर्स है वो बता नहीं पा रहे करेक्टली, तो हम इंतजार कर रहे हैं, वो एक बार आकलन करके फिर हमें बता देंगे क्या क्या सामान टोटल गया हुआ है। सर ज्वेलरी का ये कि कैश ले गए हैं? मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो ओनर जो है उनको अभी थोड़ा सा वो करने दीजिए, कंफर्टेबल होने दीजिए, वो अपने पूरे एस्टिमेट जो भी है देख के फिर हमें जो है वो बिल्कुल बताएंगे, वो बता रहे हैं आराम से बताएंगे। लेकिन हाँ ज्वेलरी गई है, ऑब्वियसली ज्वेलरी की दुकान है और इसमें पुलिस अपनी पूरी सारे ताकत के साथ लगी हुई है, जल्द से जल्द घटना की खुलासा भी करेंगे और जो भी सख्त सख्त कार्रवाई भी इसमें होगी। अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है, कुछ जो इन्फॉर्मेशन है हम बाद में आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। धन्यवाद। हुआ है, अच्छा जानकारी लग रहा है। मैं जो बोल रहा हूँ कि अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है, हमें कुछ क्लूज मिल रहे हैं, अच्छे क्लूज मिल रहे हैं, वो जल्दी इसमें कार्रवाई और अनावरण भी हो जाएगा, लेकिन जैसे मैं बोल रहा हूँ कि अंडर इन्वेस्टिगेशन है सारे बिंदु, अभी हम आपके साथ शेयर नहीं कर पा रहे हैं, दोबारा से हम बिल्कुल शेयर करेंगे। धन्यवाद। हाँ जैसे बता रहे हैं कि 3 तो प्रोमिनेंटली क्लियर है, बाकी आगे और भी हम देख रहे हैं। जी मैं क्या बोल रहा हूँ कि सारी चीज़ अभी इमीडिएटली क्लियरली बताया नहीं जा पा रहा है, जो प्राइमरी सूचना है हम उसके आधार पे आपको बोल रहे हैं, हम जिनसे मिले उनसे बात करके जो सूचना हमें मिली है वो बता रहे हैं, और बाकी इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस चल रही है, 6 टीम अलग से इसमें लगाई दी गई है, वो कार्रवाई कर रहे हैं। धन्यवाद। ठीक है, सब बताए जो आपका मुआयना हो रहा है, दिन में जो है दुस्साहस घटना हुई, देखिए जैसा कि मैंने अभी आकर के देखा है, उससे बात की है, यहाँ पर जो लोग आए हैं उस पर सारे सुराग जो फॉरेंसिक की टीम है उस पर भी हम लोगों ने साक्ष्य इकट्ठे किए हैं, हमारी 5 टीम्स इसमें तुरंत बन करके काम कर रही हैं और जल्दी ही घटना में जो भी आदमी उस पर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी और 100% इसमें रिकवरी कराएंगे। जो अमाउंट है उसको लेकर के अभी ये लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, जैसा कि कोई भी दुकानदार कैलकुलेट करता है वो कैलकुलेट कर रहे हैं, और उसके हिसाब से हम लोग अभी हमारी जो टीम्स काम कर रही हैं प्लस जो फॉरेंसिक एविडेंस मिले हैं प्लस कुछ जो हमें शुरुआती सुराग मिले हैं वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, उस पर हम लोग हमारी टीम्स काम कर रहे हैं। अभी तक किसी की गिरफ्तारी हुई कि नहीं सर? ने बताया ना कुछ इम्पॉर्टेंट सुराग मिले जिस पर हम लोग काम कर रहे हैं और जल्दी वर्कआउट करेंगे। थैंक यू सर। कर दीजिए ना, फिर क्लास है ना, उतना दिक्कत नहीं है।